हाय, आई एम राकेश शर्मा, योर बिजनेस ग्रोथ पार्टनर। हमारी सेल्स सक्सेस सीरीज के फोर्थ वीडियो में आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि सेल्स प्रोसेस क्या होता है। आज एक स्टैंडर्ड सेल्स प्रोसेस के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अब मैं आपको सेल्स प्रोसेस के बारे में विस्तार से बताता हूँ। इसमें 6 स्टेप्स होते हैं और इस स्टैंडर्ड सेल्स प्रोसेस को सफल होने के लिए आपको अवश्य ही पालन करना चाहिए। सबसे पहला चरण है प्रोस्पेक्टिंग, जिसका मतलब है कि नए नए संभावित ग्राहकों को ढूंढना। यह पहला कदम है, परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद आता है रिसर्च, यानी कि जो आपके संभावित ग्राहक हैं उनके बारे में आप कुछ जानकारी हासिल करें, यह पता करें कि वो क्या करते हैं और आपके प्रोडक्ट को किस प्रकार से इस्तेमाल करने वाले हैं। क्या आपका प्रोडक्ट उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरी तरह से पूरी करता है या फिर कहीं कुछ कमी है। कस्टमर को कॉन्टैक्ट करने से पहले यह सब रिसर्च करना बहुत ही आवश्यक है। अगला कदम है क्वालिफाइंग, मींस दैट यू आर गोइंग टू फाइंड आउट कि जिस संभावित ग्राहक के ऊपर आप काम करने जा रहे हैं वह आपसे खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, उसके अंदर खरीदने की इच्छा और क्षमता है कि नहीं है। यह तय करने के बाद ही आप सेल्स प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे, अन्यथा आप अपना समय व्यर्थ ही गंवाएंगे। इसके बाद अगला कदम आता है प्रेजेंटेशन। आप अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से समझें और उसके बाद अपने प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन दें। इस प्रेजेंटेशन में बताएं कि आपका प्रोडक्ट किस प्रकार से कस्टमर की विभिन्न जरूरतों को पूरा करता है। अगला स्टेप है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है। अगर किसी सेल्स प्रोसेस में कस्टमर कुछ ऑब्जेक्शंस नहीं लगाता तो समझिए कि वहां पर सेल्स नहीं होगी। नो ऑब्जेक्शंस, नो सेल्स। इसके बाद हम अंतिम चरण की तरफ बढ़ते हैं। अगला चरण है ऑर्डर क्लोजर। बहुत बार देखा गया है कि सेल्स के लोग पूरा प्रेजेंटेशन बहुत ठीक प्रकार से देते हैं, लेकिन जब ऑर्डर मांगने की बात आती है तो ये समझ नहीं पाते कि किस समय पर ऑर्डर मांगे और कैसे मांगे। तो किसी भी सेल्स के प्रोसेस में ऑर्डर मांगने का जो एक स्टेप है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक स्टैंडर्ड सेल्स प्रोसेस आपको एक रोड मैप देता है, आपको प्लानिंग करने की संभावनाएं देता है और साथ ही यह बताता है कि आप एक के बाद दूसरा स्टेप किस क्रम में उठाएंगे। सेल्स प्रोसेस के विभिन्न पहलुओं को प्रभावपूर्ण ढंग से पूरा करने के लिए आपको बहुत सारे सेल्स सक्सेस एड्स की आवश्यकता है। हम अगले अपने वीडियोस में इन सेल्स सक्सेस एड्स और इन सेल्स प्रोसेस के डिफरेंट स्टेप्स के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन तब तक आप एंश्योर करें कि आपका सेल्स प्रोसेस क्या है, उसमें डिफरेंट स्टेप्स क्या हैं, उनको आप डॉक्यूमेंट करें और हाँ साथ ही प्रतीक्षा करें हमारे अगले सेल्स वीडियो की।